कहते हैं कि हमें इंडिया से इंगेज करना है। अगर हमारे इंडिया से 10 किस्म के मसले हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें इंगेज नहीं करना। क्वेश्चन तारड़ साहब ये है कि क्या इंडिया भी हमारे साथ इंगेज करने को तैयार है? क्या हमारे पास कुछ ऑफर करने को इंडिया है को है कि इंडिया भी हमसे इंगेज करेगा? क्योंकि पाकिस्तान से सारी ऑफर्स जा रही हैं, ना वो जवाब देते हैं, ना वो ट्वीट्स का जवाब देते हैं, ना वो आप जो मैसेजेस करते हैं उसका जवाब देते हैं, ना वो इस तरह की कॉल्स का जवाब देते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने ये जो कहा कि हम डिसइंगेज्ड हैं, आइसोलेटेड हैं, एंड देन हमें इंडिया से भी बात करनी चाहिए, आप इसको लार्जली किस पराये में देखते हैं और आपका इसमें करने में क्या व्यू है सर? देखिए, मैं इसके बारे में बड़े डिटेल कई दफा इस पर इसके बारे में बात की। उसमें सबसे जो बड़ा इशू जो पाकिस्तान को ये है, मैंने आपको कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है डॉलर बेस्ड पॉलिसी, जहां से पैसा मिलेगा वहां वो आप समझते हैं हमारे रिलेशनशिप है, जहां से पैसा आना बंद हो जाएगा आप समझते हैं वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, जो कि गलत अप्रोच है। लेकिन अभी तक आपका माजी में देखा जाए तो बिल्कुल यही था, अमेरिका से पैसा ना आए तो समझते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है, क्योंकि डॉलर बेस, क्योंकि इसके इस पे मैं सेकंड इसलिए मेरा आर्गुमेंट होगा कि मोईज यूसुफ साहब ने भी फरमाया था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम मौशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप हमेशा डिपेंड करते हैं पैसों के, जहां से पैसा आएगा वहां रिलेशनशिप होंगे, और जब पैसा आता है कहीं से साथ उसकी टर्म्स आती है, आपने अल्टीमेटली उन टर्म्स को फॉलो करना होता है। IMF से पैसे लेंगे तो जाहिर है आपका CPEC तो बंद होना होगा, अगर CPEC चाइना से पैसे लेंगे तो आप अमेरिका दूसरी साइड पे आप रशिया का दौरा करने चले जाएंगे, तो डेफिनेटली यू आर आइसोलेटेड, डेफिनेटली। दूसरा, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर, मैं नो ऑफेंस टू हिम, वो समझते वो हमेशा ये समझते थे कि ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो शायद इस्लामिक उम्मा के एक लीडर बन चुके हैं, OIC के पैरेलल खड़े हो चुके हैं, जो कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो भी उनको मिलने आता था वो समझते थे कि अगर हेड ऑफ स्टेट मुझे नहीं मिल रहा, अगर बाइडन मुझे आके मिले तो मैं तो उसी को मिलूंगा, उसी या ये चीफ को नहीं मिलते थे, तो ये गलत अप्रोच ही उनकी गलत थी बिल्कुल। और दूसरा, चाइना में उनको बुलाया, ओलंपिक पे गया था, तो वो समझ रहे थे कि जाके हमने बाइलैटरल डायलॉग शुरू से करना है, हालांकि बाइलैटरल डायलॉग के लिए नहीं बुलाया गया था, वो तो ओलंपिक के लिए उन्होंने बुलाया था, वो बल्कि बड़ी पुअर उन्होंने आपको प्रोटोकॉल दिया और रिसेप्शन दिया है, और आप खुद ही भाग कर चाइना ने आपको रशिया से मिलवाया और आप भाग कर रशिया चले गए। इस तरह के ब्लंडर मेरा मकसद पिछले दौर में होते रहे हैं। और इंडिया के हवाले से मैं कहूंगा कि आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। आप ये देखें कि अगर आप डायलॉग बंद करके आपको एक एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, उससे आपको क्या फायदा है? मैं हमेशा ये समझता हूं डिप्लोमेसी में आप कभी भी विंडो बंद नहीं करते, आप विंडो ओपन रख के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी का वेट ये है कि हालात देखें, मैं समझता हूं कि जब भारत के अंदर, क्योंकि एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लामिक चीजों को यूज किया जाता है इलेक्शन के नजदीक आके, जब इलेक्शन जरा देर में हो जाए, अगर सूरत हाल वहां के हालात बेहतर हो, तो आप विंडो ओपन रखें, आप उनसे डायलॉग शुरू करें। आप कहते हैं कि वो जवाब नहीं देते, जवाब क्योंकि वो इसलिए नहीं देते कि देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर फ्रॉम द बोथ साइड्स। कई दफा उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपने विंडो शट डाउन कर दी, कई दफा आपने कोशिश की तो वो, तो असल में इस तरह नहीं होता डिप्लोमेसी में, यू कीप द डायलॉग ओपन। डायलॉग करने से क्या हर्ज होता है इसमें? इसमें हमारे पाकिस्तान में सियासत में वो बात करना शुरू कर देते हैं जी उन्होंने कश्मीर बेच दिया, और बेचना क्या यार, उन्होंने किसी ने क्या खरीदना है वहां से, और आप डायलॉग करो उनके साथ, बात करो उनके साथ अपनी चीजें। इस वक्त ट्रेड आपकी जरूरत है, दोनों साइडों से ट्रेड होना चाहिए, बातचीत करें, कश्मीर पे भी बात करें, दूसरी चीजों में भी बात करें, लेकिन जिस तरीके से बंद करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, यू आर ट्रूली आइसोलेटेड। मैं इस दफा गया था पाकिस्तान, तो मैंने मैसेज दो आपके जो बहुत क्लोज फेडरल मिनिस्टर थे उनके जरिए शहबाज शरीफ साहब को मैसेज किया था, उनको कहा था कि आप ना सिर्फ आप चाइना जाएं, चाइना के बाद आप अमेरिका में भी आए, चाहे आपसे जो बाइडन नहीं मिलते फिर भी आप आए, यहाँ पे सेनेटर से मिले, कांग्रेसमैन से मिले, पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिले, एक सिग्नल भेजे अमेरिकन कैंप को भी कि वी आर इंटरेस्टेड इन डायलॉग, वी आर इंटरेस्टेड इन बायलैटरल रिलेशनशिप, बिसाइड्स के आप पैसे दें या ना दें, चाइना जाए, आप यहां भी आए, आप यूरोप का भी दौरा करें। आप देखें हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूरोप को कंप्लीटली इग्नोर किया, उन्होंने यहाँ पे तो आए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, लेकिन यूरोप का उनका कोई उनका डायलॉग नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सुबह कोई डिसीजन लेते थे यूनाइटेड नेशंस में टर्की से मिलके, मलेशिया से, कहते टीवी चैनल बनाना है, जरा उन्होंने आंखें दिखाई सऊदी अरेबिया में तो उन्होंने देखे। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको चाहिए थे चाहिए कि सीरियस लें चीजों को, डायलॉग करें सारी दुनिया के साथ, जहां से नहीं पैसे आते उनसे भी मिले, आप कोशिश करें बैलेंस करने की। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है, मैं टोटली एग्री करूंगा बिलावल भुट्टो साहब से कि उन्होंने बिल्कुल सही असेस किया, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक कॉर्नर में है, और
बिल्कुल पूरी दुनिया को इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि आपसे डायलॉग किस तरह किए जाए या डायलॉग किए जाए तो किससे किए जाए। आपके देखे ना इस वक्त ओपिंडी से करें डायलॉग या आपके ऐसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर से करें जो एक वोट की बदौलत आया और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। जिस तरीके से हर टीवी चैनल रोजाना शोर करता है अगले 36 घंटे में गवर्नमेंट खत्म, अगले 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म, तो वो लोग डायलॉग आपसे क्या करें, क्या कमिटमेंट्स करें, क्या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन करें, कौन गारंटियां उनकी देगा, ये इस इन चीजों से निकलना होगा। मेरी ख्वाहिश यही थी कि या तो फिर यहाँ फौरन इलेक्शन कराए जाए, और अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और जिसमें टेक्नोक्रेट रखे जाए जो एक एक सबूत दें आपके फेडरेशन का और एक सॉलिड पॉलिसी बनाकर आए, टफ रूल्स। देखिए जिस तरीके से आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, आप करप्शन के खिलाफ इस तरह की लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते, आप ECL लिस्टें क्यों नहीं बनाते, आप इस तरह के इकदाम जब तक नहीं करेंगे आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। आपका इस वक्त इशू करप्शन है, आप महंगाई इशू नहीं है। आपका महंगाई तो एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है आफ्टर कोविड, लेकिन आप, मैं हमेशा ये कहता हूं आप महंगाई से बच जाएंगे, करप्शन आपको खा रही है, बिल्कुल इस तरह खा रही है कि आप सोच नहीं सकते। आप अंदर से शैल होते जा रहे हैं और बिल्कुल किसी दिन अल्लाह ताला ना करे किसी दिन आपके गुब्बारे से हवा निकल जाए। इस वक्त आप सोच नहीं सकते कि जब आपकी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की लॉटरी है वो मेरा मतलब दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, करप्शन के रेट जो है बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन एक देखने वाला कोई नहीं है। गवर्नेंस नाम की चीज ही कोई नहीं पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर इतने लाम जो कोलिशन पार्टियां हैं उनके मिनिस्टर हैं वो अजीब अजीब किस्म की जबानें बोल रहे हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं, मेरे लिए खुद ये ख्वाहिश होगी कि मुझे पता चले कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की इंटेंशन रखता है या कर सकेगा। मैं सो फार जो 2-3 हफ्ते रह के आया हूँ, I was not pleased with the circumstances. गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, जो कि एक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये दौर जंगों का नहीं रहा है, टेबल पर बैठ के बातें होती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब एटॉमिक चीजें यूज की थी फिर भी टेबल पर लोग बैठते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी लोग टेबल पर बैठ के उन्होंने चीजें सॉर्ट आउट की थी। तो मेरे ख्याल में ये फलस्तीनियों का और इसराइल का अपना मसला है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उनके मुफाद में क्या है। इस वक्त आपने देख लिया होगा कि मिडल ईस्ट और दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले, बजाय कि जिस तरह के वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो मेरा मकसद दूसरे इजराब करना चाहिए। मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है।